वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे सदियों से डिस्कशन हो रहे हैं। इस इशू पे सबकी अपनी अपनी अलग राय है, सोच है। जहां अधिकतर लोग ये मानते हैं कि औरत की तरक्की के लिए उन्हें एम्पावर करना यानी उन्हें आगे बढ़ने देना बेहद जरूरी है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं अनफॉर्चुनेटली जो सोचते हैं कि औरत का आगे बढ़ना ही औरत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। वेल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज औरत तेजी से आगे बढ़ रही है। आर्मी, ऑटोबस ड्राइवर्स, स्पोर्ट्स, ये सारे क्षेत्र जो पहले मेल नॉमिनेटेड थे, आज औरतें वहां भी अपना मार्क छोड़ रही हैं। घर का काम या बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी अब औरत और मर्द दोनों की मानी जाती है। इनफैक्ट कई सारे मर्द अब हाउस हस्बैंड्स बनने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। लेकिन इन सब के बावजूद एक कड़वा सच ये भी है कि आज भी औरत भारत में सेफ नहीं है। आए दिन हम कोई ना कोई रेप केस की खबरें सुनते हैं। इनफैक्ट अगर 2020 में ऑफिशियल गवर्नमेंट क्राइम डेटा ने जो आंकड़े रिलीज किए थे उसके हिसाब से इंडिया में हर 15 मिनट में एक रेप होता है। सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट, मोलेस्टेशन, अटेम्प्ट टू रेप, इनकी तो खैर कोई बात ही नहीं की जाती क्योंकि हम रेप केसेस के आंकड़ों में ही गुम है। मी टू मूवमेंट एक ऐसा लहर था जिसने कई सारे औरतों को हिम्मत दी थी कि वो आगे आके अपने साथ हुए किसी भी तरह के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को दुनिया को बताए, जहां बहुत सारी औरतों ने फाइनली हिम्मत जुटा के अपने साथ हुए अन्याय को दुनिया के सामने लाया। वहीं अनफॉर्चुनेटली कुछ औरतें ऐसी भी थी जिन्होंने इस मौके का गलत फायदा उठाया। पर जैसे कुछ मर्दों की वजह से पूरी मर्द जात बुरी नहीं होती, ठीक उसी तरह से कुछ औरतों की वजह से आप औरत जात को बदनाम नहीं कर सकते। पर हमारे देश में रेप या मोलेस्टेशन के केसेस तभी कम होंगे जब यहाँ का कानून स्ट्रिक्ट होगा, जब विक्टिम को अक्यूज्ड की तरह नहीं बल्कि एज अ विक्टिम की तरह ट्रीट किया जाएगा। रेप केस को सॉल्व करने में 10-10 साल नहीं लगेंगे, पर तब तक हिंदुस्तान का हर नागरिक रास्ते पे चलती औरतों को अपनी जिम्मेदारी समझ के उसकी सुरक्षा करे, और हर मर्द अगर ये समझ जाए कि ना का मतलब ना ही होता है, तो शायद हम रेप को इंडिया से मिटाने के लिए कानून के सहारे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।